दोस्तों अक्सर आप जरूर देखे होंगे, हमारे अगर हिंदू भाई तो जरूर देखे होंगे, हमारे घरों में तुलसी का पौधा लगाए जाते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, वीडियो को आप आधे बीच में छोड़ करके आज मत जाना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो हम अपने घरों में तुलसी लगाते हैं, ये हमें कौन सा तुलसी लगाना चाहिए, हम राम तुलसी लगाना चाहिए, हमें क्या श्याम तुलसी लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के 5 प्रजातियाँ होती हैं और कौन सा तुलसी सबसे बेस्ट होता है, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊँगा, जिससे आपको आयुर्वेदिक फायदा पहुँचे। मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ दोस्तों, आयुर्वेद में जीवन छुपा है, मरते व्यक्ति भी आयुर्वेद दवा का प्रयोग करके जी सकते हैं। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है, खजाना है, और हमारे जो ये चैनल है ना हेल्थ गुरु जी, ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य जुड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे। आप अपना 4 मिनट का बहुमूल्य समय दें, इसमें लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा, यानी कि जो तुलसी देखना इसका मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा, और जानकारी कोई भी जो होती ना व्यर्थ नहीं जाती, और इस अवधि को प्रयोग आपको जनहित जन कल्याण में करना है। स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, हमारे वीडियो को देख करके आप भी वैद्य बन सकते हैं, घर का वैद्य बन सकते हैं, लाखों रुपए को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, और वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखा करें, क्योंकि अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं। हमारे वीडियो से सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यह जानकारी हम दोस्तों आप लोगों को जितने भी आयुर्वेद के बताते हैं ये हमारे प्राचीन ग्रंथों से होते हैं या खुद के द्वारा अनुभव किए हुए होते हैं। तो आयुर्वेद में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बड़े से बड़े बीमारी का इलाज संभव है, बस इसका खुराक और सही मात्रा की जानकारी हो। तुलसी का पौधे इसका हमारे घरों पे लगाने से सबसे पहले तो हम हिंदू भाई इसकी पूजा करते हैं, तुलसी को माँ की दर्जा दिए हैं, माँ बोल रहे हैं, तो ये दोस्तों हमारे तमाम तरह के बच्चों की बीमारियों को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे माँ का दर्जा दिए हैं। माँ के दर्जा देने के साथ साथ ही हमें शुद्ध वातावरण भी प्रदान करते हैं। तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होते वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा कभी भी यानी कि नकारात्मक शक्ति नहीं आ पाती। तो आइए इसके आयुर्वेदिक फायदे को विस्तार से जानते हैं। तो ये सिर के दर्द को सबसे पहले ठीक करने का काम करते हैं। अगर ज़्यादा तनाव हो रहे हैं आपको, बहुत से लोगों को देखें तुरंत डिस्प्रिन ला करके मार्केट से खाने लगते हैं, गोली ला करके खाने लगते हैं। अगर आपके सिर में दर्द होती, हमेशा की बात करूं सिर के दर्द हो रहे हैं, तो इसके 2 बूंद नाक में टपका देने से, इसके पत्ते का रस अच्छी तरह से निचोड़ करके 2 बूंद अपने नाकों में टपका देते हैं, तो सिर के दर्द हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाते हैं। अगर सिर में जू आ गए हैं, लीक आ गए हैं, तो जो प्रयोग मैं आप लोगों को तुलसी के बता रहा हूँ, ये राम तुलसी के बता रहा हूँ और श्याम तुलसी के बता रहा हूँ, इसके बाद जो तुलसी आता है उसका मैं नहीं जानने वाला भैया, क्योंकि इसका 5 प्रजाति होती हैं। इस प्रकार से हमारे वीडियो में देख रहे हैं ना, ये राम और श्याम तुलसी हैं दोस्तों। तो अगर आपके सिर में जू पड़ गए हैं, कई दिनों से आपके बाल ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसके पत्ती को पीस करके बालों पर लेप करने से जू मर जाते हैं। रतौंधी कई लोगों को हो जाती है, रात में ठीक से दिखाई नहीं देते, तो इस समस्या को रतौंधी कहा जाता है। तो आप रतौंधी से पीड़ित हैं या आपके घर पर में कोई पीड़ित हैं, तो इसके पत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए 2 से 3 बूंद तुलसी के पत्ते का रस को दिन में 2 से 3 बार आंखों पर डालना है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा, आंखों को डरने वाली बात नहीं है, तो आंख संबंधी परेशानियां ठीक हो जाती हैं। कान में दर्द हो रहे हैं तो इसके पत्ते का 2 बूंद कान में डाल देने से कान के दर्द ठीक हो जाते हैं। दांतों में दर्द हो रहे हैं तो आपने बहुत सारे टूथपेस्ट देखे होंगे जिसमें तुलसी अदरक पुदीना लिखा जरूर होता है, तो अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो इसके पत्ते को, ठीक है, इसके पत्ते से अच्छी तरह से रस निकाल ले निचोड़ करके, और इसके जितने भी पत्ते से रस निकलेंगे उसे आपको रुई में भिगा देना है, और उस रुई को जिस भी हिस्से में आपके दांत दर्द हो रहे वहाँ पे लगाए, तो दांतों के दर्द का शमन करता है। आप सभी को पता है सर्दी खांसी जुकाम होने पर इसका काढ़ा बना करके पीने के लिए भी बोलते हैं, इससे सर्दी खांसी जुकाम भी ठीक हो जाते हैं, इससे पीले संबंधी बीमारी भी ठीक होती है। पथरी से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, तुलसी के 1 से 2 ग्राम पत्ती को पीस करके शहद में मिला करके पीने से या तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना करके पीने से भी दोस्तों जो पथरी की बीमारी ठीक हो जाती है। अंतिम फायदे के रूप में बताना चाहूँगा, ये नपुंसकता की बीमारी को ठीक करते हैं। इसके बीज का चूर्ण या इसके जड़ को बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके या गुड़ मिला करके 1 से 3 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध के साथ सेवन करने से 1 माह तक लगातार आपको सेवन करना है, तो कैसा भी नपुंसकता हो जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते कुष्ठ रोग पर लगाने से कुष्ठ रोग की बीमारी भी ठीक हो जाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया छोटी सी आयुर्वेदिक जानकारी तुलसी के संबंध में जरूर पसंद आया होगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं फिर जुड़ता हूँ आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।